आप देख रहे थे 50 खबरें और इस वक्त की तीन बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। 15 अगस्त के ठीक पहले दिल्ली से एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। उधर अमेठी में अकाल तख्त एक्सप्रेस से धमकी भरा लेटर और संदिग्ध वस्तु मिली है और धारा 35A को लेकर घाटी की सियासत में खतरा है और इसी मसले को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाली है जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। तो इस वक्त की ये तीन बड़ी खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार के दानापुर में पार्षद केदार राय की हत्या कर दी गई है। तड़के केदार राय को बाइक से आए बदमाशों ने गोली मार दी। केदार राय आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे और पिछले 20 साल से दानापुर नगम परिषद के वार्ड नंबर 15 के पार्षद थे। सुबह करीब 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, तभी घर के नजदीक जो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, उन्होंने उन्हें गोली मार दी। बेहद करीब से उनके चेहरे पर 2 गोली मारी गई। इसके फौरन बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है और जिन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया उन्हें लेकर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना के बाद से वहां पर खलबली, क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं बीजेपी एमएलए की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही से यह हत्या हुई। इस मामले में अब ये सियासी बयान यहां पर सामने आता हुआ, पुलिस की लापरवाही से हत्या को लेकर इस मामले का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, सुबह 5:30 बजे की घटना, इसे बताया जा रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, उस वक्त बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। बेहद करीब से चेहरे पर गोली मारी गई। जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सारा जगह हॉबी हो गया है, अभी कहना मुश्किल है। बताइए, व्यक्ति घर में रह रहा, वो लिखा रहा था, कहाँ रहेगा, कहाँ छिपेगा। 5 बजे फोन में बोली लग रहा है ना, बथाने में घूम रहा है, अपराधी तो एकदम मनमानी कर रहा है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं इसका। प्रशासन चाहता तो चूहा के दिन से अपराधी निकालता। छोटा छोटा बच्चा लोग उसको औला लेके घूमता है, कोई ध्यान नहीं प्रशासन। तो यहाँ पर अब इस घटना को लेकर सियासी बयान भी सामने आता हुआ, लेकिन अपडेट आपको इस पर आगे हम देते रहेंगे। पर अगली बड़ी खबर भी बिहार से ही आपको बता रहे हैं, जेडीयू से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वरिष्ठ नेता शरद यादव को पार्टी से बाहर किया जा सकता है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है, इस बात की जानकारी मिल रही है। नीतीश कुमार ये कठोर फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें, पिछले काफी वक्त से, खासतौर पर जब से जेडीयू ने आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए को ज्वाइन किया, उसके बाद से ही लगातार शरद यादव नाराज चल रहे थे और इसके अलावा कई अलग अलग मसलों पर वो पार्टी से अलग स्टैंड भी रख चुके हैं, लिहाजा उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है और जेडीयू से उन्हें निकाला जा सकता है। ये अहम फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। और आइए बिहार की राजनीति के बाद अब रुख करते हैं गुजरात का और आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद की स्थिति है क्या। दरअसल जीत के बाद अहमद पटेल और अमित शाह दिल्ली लौट आए हैं। खास जानकारी ये है कि अक्सर से बातचीत में अहमद पटेल ने दावा किया कि राहुल गांधी मोदी को जरूर हराएंगे। अपनी जीत को उन्होंने कांग्रेस के लिए संजीवनी बताया। गुजरात से शायद सबसे रोमांचक राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बारी अब विजयी उम्मीदवारों के दिल्ली पदार्पण की थी। बीजेपी से अमित शाह और स्मृति ईरानी तो कांग्रेस से अहमद पटेल ने राज्यसभा का टिकट हासिल किया। राजधानी पहुंचे तो दोनों खेमों में जबरदस्त जश्न था। बात पहले अहमद पटेल की, क्योंकि कांग्रेस के सियासी रणनीतिकार की जीत भी खास है, लिहाजा स्वागत भी उसी हिसाब से हुआ। परिवार, पार्टी दिग्गजों के साथ समर्थकों का जमावड़ा और नारों के बीच फूलों की बारिश, वेलकम ग्रैंड था। और सस्पेंस भरी जीत से अहमद पटेल के विश्वास और उम्मीदों की इमारत भी तैयार हो गई है। ये
ये चुनाव से एक ये फायदा होता है, इसमें कांग्रेस में जान आ गई है, वर्कर्स में जान आ गई, एक ऊर्जा आ गई है, उनका जो मॉरल है जो एकदम बूस्ट हुआ है और जो उनका जो स्प्रिट है एकदम काफी ऊपर गया है। आपको लगता है कि राहुल गांधी बनाम मोदी की जंग में राहुल गांधी कभी आगे कामयाब होते दिखते हैं आपको? 100%। और ये कोई अहमद पटेल बनाम मोदी वो जोड़ने की जरूरत नहीं, राज्यसभा तो बहुत छोटा चुनाव, और तो मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, तो ये बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, तो इसमें जो भी आप बात कर रहे हैं राहुल जी लीडर है, उनकी लीडरशिप में मुझे पूरा विश्वास है, न सिर्फ गुजरात जीतेंगे लेकिन आने वाले चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। आज तक से बातचीत में अहमद पटेल ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर न सिर्फ भरोसा जताया बल्कि आने वाले चुनावों में मोदी को हराने का दम भी दिखाया। इतना जरूर है कि इस जीत ने पंजाब चुनाव के बाद कांग्रेस को पहला ऐसा मौका दिया है जब बड़े स्तर के चुनाव में वो जश्न मना रही है। हालांकि गुजरात से अमित शाह और स्मृति ईरानी भी राज्यसभा में दाखिले की पर्ची लेकर बीती रात दिल्ली पहुंचे, ढोल नगाड़ों से उनका भी स्वागत हुआ, लेकिन अमित शाह के चेहरे पर जीत की वो रौनक नहीं दिखी जिसकी उन्हें आदत पड़ चुकी है। मुमकिन है कि गुजरात से तीसरी सीट न जीत पाने का मलाल उनके जहन से अभी गया नहीं होगा। स्मृति ईरानी भी पत्रकारों के सवालों पर बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। मैम, वन कमेंट ओनली, ओनली वन कमेंट। प्रतिष्ठा की इस जंग में फिलहाल जीत कांग्रेस के हाथ लगी है, इसी के बहाने कांग्रेस को संजीवनी मिली है तो बीजेपी के सामने अपनी रणनीति को और धारदार बनाने की चुनौती। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बीती रात बड़ी खबर गुड़गांव से भी आई जहां पर चंडीगढ़ में वर्णिका खुंडू के साथ जिस तरह की घटना हुई थी वैसी ही घटना देखने को मिली। एक लड़की जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, देर रात जब दफ्तर से घर लौट रही थी तो ठीक चंडीगढ़ में जिस तरह से वर्णिका खुंडू का पीछा हुआ, ठीक उसी तरह से गुड़गांव में भी ये वारदात दोहराई गई। पहले लड़की को रोकने की कोशिश हुई लेकिन उसके बाद भी जब लड़की स्कूटी पर आगे बढ़ती रही तो बदमाशों ने उसका पीछा तक किया। शिकायत के मुताबिक गाड़ी में सवार लड़के इस लड़की का पीछा कर रहे थे और रास्ते में कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। किसी तरह से बदमाशों को चकमा देकर वो अपने घर पहुंचने में कामयाब हुई। हालांकि इसके बाद सेक्टर 14 थाने में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354D का मामला दर्ज कर आरोपियों और उनकी कार की तलाश शुरू कर दी है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा। चंडीगढ़ के बाद गुड़गांव में भी एक लड़की के साथ पीछा करने और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल ये लड़की जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और लड़की का ये आरोप है कि जब वो अपने दफ्तर से अपने घर जा रही थी तभी कार सवार दो युवकों ने लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोप ये भी है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई। किसी तरह से लड़की का ये साफ तौर पर ये कहना है कि किसी तरह से वो बचकर अपने घर पहुंची, जिसके बाद उसने ये पूरी कहानी अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में इस बाबत मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने 354D के तहत मामला दर्ज किया है लेकिन लड़की ने जो आरोप लगाया है वो गुड़गांव पुलिस पर कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि लड़की का साफ तौर पर यही कहना था कि जिस रास्ते से वो गुजर रही थी, जहां इस लड़की का पीछा किया जा रहा था, वहां रास्ते में किसी तरह की कोई बैरिकेटिंग नहीं मिली, कोई पुलिसकर्मी नहीं मिला, ऐसे में जाहिर सी बात है कि गुड़गांव पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। अनुज मिश्रा, गुड़गांव आज तक। छेड़छाड़ के इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर केस में कड़े कानून की मिसाल पेश की जाए। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।